हाँ भाई इंसानों, क्या हाल चाल है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और घर पे एकदम ठंड का मज़ा ले रहे होंगे, और इस लॉकडाउन का भी। ठीक है, आगे चलते हैं तो बात करते हैं। देखिए, मैंने लास्ट टाइम पे ना यहाँ छोड़ा था शायद, और मुझे पता है मैंने इससे आगे छोड़ा था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है अंदर से कि मैंने जो है उस टाइम पे बहुत ज़्यादा डिटेल में ये सब नहीं पढ़ाया है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, थोड़ा सा मतलब और फाइनली पढ़ेंगे। डिटेल तो मैं जाऊंगा ही क्या, ठीक है, ऑलरेडी बहुत डिटेल में चल रहा है। ठीक है, तो एक्स्ट्रा कंसेप्ट में पढ़ा रहा हूँ। दो तरह की सेल्स हैं, स्पेशली पुरकिंज सेल एंड पिरामिडल सेल्स। ठीक है, तो ये जो सेल्स हैं इनका जो नाम पड़ा है वो एक तो हिस्टोलॉजिस्ट के नाम पर पड़ा है, जिसने इसको सबसे पहले डिस्क्राइब किया है, या फिर फॉर एन एक्सपेक्ट ऑफ देयर शेप और अपीरियंस, या फिर उनकी शेप को देख करके ये नाम रखा गया है। जैसे कि यहाँ पे मैंने जो ये पुरकिंज सेल ली है, ये नाम पड़ा है इसका जिस भी हिस्टोलॉजिस्ट ने इसकी डिस्कवरी करी है। देखिए, द वर्ड हिस्टोलॉजी, एक वर्ड है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी का मीनिंग होता है स्टडी ऑफ टिश्यूज़। क्या होता है? स्टडी ऑफ टिश्यूज़। और जब भी हम टिश्यूज़ की स्टडी करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है हम उसके अंदर सेल्स तो पढ़ेंगे ही। ठीक है, तो इसलिए हिस्टोलॉजिस्ट बोल दिया है। ठीक है, कहीं आप सोच रहे हो सर साइटोलॉजिस्ट ही क्यों नहीं बोला है? इसलिए नहीं बोला है क्योंकि जो हिस्टोलॉजी की स्टडी करेगा उसको हम हिस्टोलॉजिस्ट बोलेंगे, और जो साइटोलॉजी की स्टडी करेगा उसको हम साइटोलॉजिस्ट बोलेंगे। सीधी सी बात है। ठीक है, तो ये जब टिश्यू की स्टडी कर रहे थे तो इन्होंने एक स्पेशल टाइप की सेल देखी और उन्होंने उसको नाम दे दिया पुरकिंज सेल। ठीक है, एंड आफ्टर दैट एक और सेल मिली जिसका नाम उसकी शेप को देखते हुए रख दिया गया है, दैट इज पिरामिडल सेल। आप देख सकते हो उसकी शेप कैसे पिरामिड टाइप की है। ठीक है जी, अच्छा ओके, इसके बाद बात करते हैं। तो पुरकिंज सेल जो है वो मिलती है आपके सेरेबेलम में, एंड द पिरामिडल सेल ये मिलती है आपके सेरेब्रल कॉर्टेक्स ऑफ ब्रेन में। ठीक है, इतना पढ़ा दिया है, काफ़ी है। आई होप पिछले वीडियो में भी ये सब मिल जाएगा। इसके बाद बात करते हैं आपका फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन। देखिए, अभी तक जो हमने क्लासिफिकेशन किया था वो हमने किया था उसका स्ट्रक्चर को देखते हुए। ठीक है, अभी तक जो हमने क्लासिफिकेशन किया था वो कैसे किया था? उसकी स्ट्रक्चर को देखते हुए किया था। कहाँ गया वो स्लाइड? ये रही, ठीक है ना। तो ये था स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन ऑफ, ठीक है, न्यूरॉन्स। लेकिन अभी जो हम पढ़ रहे हैं ये पढ़ रहे हैं फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन, उनके फंक्शन के बेसिस पे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं एफरेंट न्यूरॉन की। ये ऐसे न्यूरॉन होते हैं जो कंडक्ट करते हैं इम्पल्सिस को, कहाँ से कहाँ तक? रिसेप्टर से लेकर CNS तक। ये रिसेप्टर से लेकर CNS तक कंडक्ट करेंगे इम्पल्सिस को। एफरेंट न्यूरॉन क्या करेंगे? ये कंडक्ट करेंगे इम्पल्स को कहाँ से कहाँ तक? CNS से लेकर इफेक्टर्स तक। यहाँ पे इफेक्टर कुछ भी हो सकता है, या तो कोई ग्लैंड हो सकती है या फिर कोई भी मसल हो सकता है। ठीक है, मसल, अगर मसल होगा तो ऑब्वियस सी बात है मूवमेंट कराई जाएगी, ग्लैंड होगा तो कोई भी सेक्रीशन कराई जाएगी या फिर सेक्रीशन रोका जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, या फिर मसल मूवमेंट या तो कराई जाएगी या फिर रुक जाएगा। सीधी सी बात है, तो पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव इम्पल्स का मतलब होता है जो चीज़ों को रोकता है, पॉजिटिव इम्पल्स का मतलब होता है जो चीज़ों को बढ़ावा देता है। ठीक है जी, अच्छा, इसके बाद बात करते हैं एसोसिएशन न्यूरॉन्स की। ये स्पेशल न्यूरॉन, चलो इसको मैं थोड़ी देर बाद पढ़ाऊंगा तुम्हें। ठीक है, चलो, द टर्मिनल्स ऑफ डेंड्राइट, जो डेंड्राइट के टर्मिनल्स होते हैं या फिर आप उनको डेंड्रॉस बोल सकते हो। ठीक है, वो मॉडिफाई हो जाते हैं किस में? रिसेप्टर्स में। ठीक है, जो एफरेंट न्यूरॉन्स के डेंड्राइट्स हैं उसके जो टर्मिनल है, टर्मिनल मतलब जो एंड है, वो मॉडिफाई हो जाएगा किसमें? रिसेप्टर्स में मॉडिफाई हो जाएगा। ठीक है, जबकि जो एफरेंट है इसका जो एक्सॉन टर्मिनल है वो किसके कांटेक्ट में आ जाएगा? कांटेक्ट विद मोटर एंड प्लेट, या फिर इसको आप बोल सकते हो पार्ट ऑफ सार्कोलेमा। सार्कोलेमा इज वॉट? आपका जो मसल सेल है उसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, उसके कॉन्टेक्ट में आ रहा है ये भी आगे पढ़ा दूंगा मैं तुम्हें रिफ्लेक्स सेक्शन में, कोई बात नहीं। टू फॉर्म न्यूरो मोटर जंक्शन, अब यहां पे क्या बनेगा? न्यूरो मोटर जंक्शन। ठीक है ना, अच्छा जी, मोटर का मतलब मोस्टली मसल से होता है। ठीक है, जो मसल को एक्टिवेट करे या कुछ भी करे। तो अब मसल और नर्वस सिस्टम का जंक्शन बन रहा है, इनका मेल हो रहा है, इनका जुड़ाव हो रहा है, तो इसको हमने बोल दिया न्यूरो मोटर जंक्शन। आई होप आप इसको समझ पा रहे होंगे। ठीक है, अच्छा, इसके बाद बात करते हैं मतलब कि न्यूरो मोटर। ठीक है, नर्वस सिस्टम प्लस मोटर। ठीक है, अच्छा, अब जो एफरेंट न्यूरॉन होते हैं ये सेंसरी नेचर के होते हैं, जबकि जो आपका एफरेंट न्यूरॉन है ये मोटर नेचर के होते हैं। मोटर मतलब मूवमेंट कराएंगे मोस्टली। अच्छा, इसके बाद बात करते हैं एसोसिएशन न्यूरॉन की। एसोसिएशन न्यूरॉन को हम इंटर न्यूरॉन्स भी बोलते हैं। इंटर मतलब बीच में, इंटर मतलब बीच में, इंट्रा मतलब अंदर, एक्स्ट्रा मतलब बाहर। ये कुछ सूत्र हैं, इनको याद रखिएगा। आर मेनली
लोकेटेड विद इन CNS, ये कहां मिलते हैं आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, बिटवीन सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन। किस किस के बीच में? सेंसरी और मोटर न्यूरॉन के बीच में क्या मिलेगा आपका? एसोसिएशन न्यूरॉन मिलेगा। देखिए मैंने बहुत पहले आपको एक प्रोसेस पढ़ाई थी, भूल चुके हैं शायद, ठीक है बता देता हूं दोबारा से। तो बहुत पहले मैंने आपको एक प्रोसेस पढ़ाई थी जिसमें मैंने आपको तीन फंक्शन बताए थे कि नर्वस सिस्टम के ना तीन ही फंक्शन होते हैं, या तो सेंसरी या इंटीग्रेटिव या मोटर। ठीक है, तो सीधी सी बात है, सेंसरी का काम होता है डिटेक्शन, इंटीग्रेटिव का होता है इंटीग्रेशन, या मोटर का काम होता है स्टिमुलेशन ऑफ वेक्टर्स। तो ये वाला जो काम है ये करेंगे सेंसरी न्यूरॉन, ये वाला जो काम है वो करेंगे मोटर न्यूरॉन, जिसको कि आप बोल सकते हो एफरेंट न्यूरॉन, और ये हैं आपके एफरेंट न्यूरॉन। ठीक है, अब बीच में जो आ गए हैं न्यूरॉन्स जो ये वाला काम करेंगे उसको हम बोलेंगे एसोसिएशन, एसोसिएटेड न्यूरॉन। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ न्यूरॉन, तो ये बात आपने याद रखनी है। तो तीन तरह के न्यूरॉन हो गए। ठीक है जी, आगे चलते हैं अब जहाँ पे हमने छोड़ा था दिस। ठीक है, अब इंटीग्रेट करना मतलब प्रोसेस करना। ठीक है, जो भी इनकमिंग सेंसरी इन्फॉर्मेशन है उसको प्रोसेस किया जाएगा और कोई भी एक मोटर रेस्पॉन्स एलिसिट किया जाएगा वहाँ से। और ये मोस्टली मल्टीपोलर न्यूरॉन होते हैं, याद रखना, जो एसोसिएशन न्यूरॉन होते हैं वो मोस्टली क्या होते हैं? मल्टीपोलर होते हैं। अब मैंने आपको मल्टीपोलर, बाईपोलर, है ना, सूडो यूनिपोलर, यूनिपोलर, है ना, सब पढ़ा दिया मैंने तुम्हें। अच्छा जी, इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड। अब हम पढ़ने जा रहे हैं ग्लियल सेल्स। ठीक है, अभी तक जो पढ़ाया था वो मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, लेकिन मुझे अंदर से फीलिंग आ रही थी वो हमने थोड़ा जल्दीबाजी में किया था। ठीक है, अब आगे चल रहे हैं, ग्लियल सेल्स की बात करें। ग्लियल सेल्स क्या होती है? देखो मैंने आपको दो तरह की सेल्स पढ़ाई थी, अगर आप भूल चुके हैं तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हो। ठीक है, तो मैंने आपको दो तरह की सेल्स पढ़ाई थी। देखो हमारे नर्वस सिस्टम में दो तरह की सेल होती है, तो न्यूरॉन्स, एक न्यूरोग्लिया सेल। ठीक है, न्यूरॉन्स क्या होते हैं? जो ये तीन काम करेंगे, सेंसिंग, थिंकिंग, रिमेंबरिंग, कंट्रोलिंग मस्कुलर एक्टिविटी, और रेगुलर करेंगे ग्लैंडुलर सेक्रेशन। ठीक है, ये सब काम करेंगे, जबकि न्यूरोग्लिया काम होता है मेनली सपोर्ट करना, नरिश करना और प्रोटेक्ट करना इन न्यूरॉन्स को, और उनके अंदर होमियोस्टेसिस को बैलेंस रखना। ठीक है, कहाँ पे? इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, जो इनको नहलाते हैं, मतलब जिनके अंदर ये न्यूरॉन्स हैं उस फ्लूइड के अंदर। जैसे कि अगर ये न्यूरॉन है तो इसके चारों तरफ जो फ्लूइड है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो चारों तरफ जो फ्लूइड भरा हुआ है, यहाँ पे होमियोस्टेसिस को बैलेंस रखना। ओके, अच्छा जी, तो आपको इतना तो अंदाजा लग गया है न्यूरोग्लिया क्या है, तो अब आगे चलते हैं। तो देखो न्यूरोग्लिया सेल, पहले तो ये याद रखना कि PNS में अलग न्यूरोग्लियल सेल होती हैं और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अलग अलग होती हैं। तो PNS में जो ग्लियल सेल हैं वो है आपकी सैटेलाइट सेल्स और स्वान सेल्स। ठीक है, और जो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो है माइक्रोग्लिया, एपेंडाइमल और ओलिगोडेंड्रोसाइट्स और एस्ट्रोसाइट्स। ठीक है, ये सब सेल्स हैं आपकी ग्लियल सेल्स। ठीक है, अच्छा जी, अब देखो मैं बात करता हूँ जो आपका ये वाली सेल है, आपका एक तो जो ये है आपका ओलिगोडेंड्रोसाइट है और इसमें जो ये स्वान सेल है। ठीक है, ये जो दो तरह की सेल है ये क्या करती है? न्यूरॉन्स को, ये न्यूरॉन्स को क्या करेंगी? माइलिनेटेड करेंगी। क्या करेंगी? माइलिनेटेड करेंगी। ठीक है, माइलिनेटेड मतलब उनके चारों तरफ एक माइलिन शीथ चढ़ाएंगी। जो ये अंदर एग्जोन है, आप जो ये अंदर एग्जोन देख पा रहे हैं, इस एग्जोन के चारों तरफ क्या चढ़ा दिया उन्होंने? माइलिन शीथ चढ़ा दी। ये कौन चढ़ा पा रहा है इनके चारों तरफ माइलिन शीथ? ये चढ़ाई है आपकी स्वान सेल ने और या फिर आपका ओलिगोडेंड्रोसाइट्स ने। याद रखना, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स करेगा CNS में ये काम और ये कर रहा है PNS में ये वाला काम। ठीक है जी, अच्छा, इन सभी सेल्स के अपने अलग अलग काम हैं, ये मैं आपको बता दूंगा, फिलहाल आप बस इन सेल्स का नाम याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा जी, सैटेलाइट सेल्स को आप देख सकते हो, ये कुछ आपके जिस सेल के अंदर डेंड्राइट्स नहीं होते हैं उस चारों तरफ यहाँ पे इस तरह से चिपक गई ये सेल्स। ठीक है, हाँ, इनको प्रोटेक्ट करते हैं और जो भी मैसेज यहाँ से आता है या कोई भी चीज़ें अंदर जानी होती है उसको पहले ये चेक करते हैं फिर इसके अंदर जाने देते हैं। ठीक है, मतलब फिल्टर का काम करेंगे। नोड्स ऑफ रेनवियर क्या है? आपको मैंने बताया था कि देखो यहाँ पे जहाँ पे एग्जोन माइलिनेटेड नहीं है, मतलब जो दो माइलिनेटेड एग्जोन है उसके बीच में जो भी हिस्सा होगा उसको हम बोलेंगे नोड ऑफ रेनवियर। ठीक है, अच्छा जी, इस बात बात करते हैं ये माइलिनेटेड शीथ चढ़ती कैसे है, मतलब माइलिनेशन कैसे होता है न्यूरॉन का, कैसे इन चारों तरफ कवरिंग आती है। तो मैं तुम्हें बता देता हूँ, मैंने अभी बताया था कि दो तरह की सेल्स में इन्वॉल्व होती हैं, आई होप आप इसको याद रखेंगे, एक तो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स
है ना, और एक आपका स्वान सेल, स्वान सेल किस में, पीएनएस में, और ओलिगोडेंड्रोसाइट किस में, सीएनएस में, ठीक है ना। अच्छा जी, तो देखो माइनॉरिटी शीट गेस्ट करते हैं, जैसे कि ये एक एग्जॉन है, इस पास पहले तो आया आपका स्वान सेल, स्वान सेल आ गया, इसको लपेट लिया है, ठीक है, लपेट लिया अपने चारों तरफ, फिर इसके बाद देखो कैसे इसके चारों तरफ देखो माइलिनेटेड शीथ बनाई जा रही है, ठीक है, देख सकते हो आप लोग कैसे कैसे माइलिनेटेड शीथ बनाई जा रही है, और फिर उसके बाद ये टोटली माइलिनेटेड शीथ हो जाता है यहाँ पे, ठीक है, बहुत सारी लेयर्स बनती हैं इसमें, ठीक है। अच्छा जी, अब कुछ अनमाइलिनेटेड एग्जॉन भी होते हैं, ठीक है, अब देखो यहाँ पे तो ये चढ़ेगा पार्ट्स में, मतलब कि एक सेल पार्ट्स में एग्जॉन कवर करेगी, जैसे कि ये एक एग्जॉन है तो इसको पार्ट्स में कवर किया जा रहा है स्वान सेल के द्वारा, ठीक है जी। लेकिन जो अनमाइलिनेटेड होते हैं उनके चारों तरफ कैसे करेगा, जैसे कि ये हो गया आपका स्वान सेल, ठीक है, स्वान सेल का साइटोप्लाज्म, और ये एक बारी में से वो कवर कर लेगा और बीच में कोई भी नोड्स ऑफ रेनवेयर आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो याद रखना जो अनमाइलिनेटेड एग्जॉन होते हैं उसमें हमें नोड्स ऑफ रेनवेयर नहीं देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इतना बेसिक सा मुझे तुम्हें बताना था, ज़्यादा डिटेल में जाएंगे आपके सिलेबस में है नहीं, लेकिन मैंने फिर भी बता दिया है क्योंकि क्या पता आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा हो। फिलहाल आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि सर न्यूरोग्लिया के अलग अलग क्या क्या काम है, अगर आप चाहते हो तो मैं पढ़ा दूंगा, नहीं चाहते हो तो फिर पढ़ा दूंगा, ठीक है, ख़त्म कर देंगे वीडियो को यहीं। इसके बाद हम बात करेंगे अगले लेक्चर्स में सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, आपका न्यूरॉन ओवर हो चुका है, अगर आपको न्यूरोग्लिया सेल पढ़ना है तो मैं किसी दिन एक्स्ट्रा कंसेप्ट पढ़ा दूंगा, ठीक है, फिलहाल ये लेक्चर यहीं ख़त्म हो जाता है। ओके जी।